Hey friends, it's Shivangi Maheshwari here, and I am here to teach you composite mathematics revised edition class 8th. जी हाँ, आज हम class 8th के questions करेंगे और class 8th में हम exercise 3b लेंगे. आज मैंने जो previous videos हैं उसमें मैंने exercise 3a तक complete किया हुआ है, और जिन बच्चों ने मेरी जो previous videos हैं नहीं देखी उनसे मेरा निवेदन है, please जाकर जरूर देखिएगा. उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है, बहुत सारे points clear होने वाले हैं. और इस वीडियो का आप एंड तक देखिएगा, एंड तक देखेंगे तो आपकी इतना प्रॉमिस है कि आपके कई सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे, और पॉइंट्स क्लियर होंगे तो आपकी मैथ आसान हो जाएगी, इजी हो जाएगी, आपको एग्ज़ाम टाइम पे परफॉर्मेंस करने में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. अगर आप रट के जाते हैं तो आपको एग्ज़ाम टाइम पर भी परफॉर्मेंस नहीं हो पाता है, आपका नहीं हो पाता है परफॉर्मेंस, बिकॉज ऑफ आपने रटा है और आप वहाँ यूज़ नहीं कर पा रहे हैं जो आपकी नॉलेज है. एग्ज़ाम टाइम पर सिर्फ वही यूज़ हो पाता है जो आपकी नॉलेज में रहता है. ठीक है, तो आप अच्छे से समझिए और समझ के ही कीजिए. समझ के करने पर आपके पॉइंट्स भी क्लियर होंगे और सीधी सी बात है फिर तो मार्क्स अच्छे आने ही हैं. तो एक्सरसाइज 3 भी है. 3a में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना बता दिया था. हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे और स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे ये आपका क्लियर है, क्लियर है ना? ठीक है. और हमने दो मेथड बताए थे मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालने के, स्क्वायर निकालने के मैंने आपको दो मेथड बताए थे, आई थिंक सॉरी, स्क्वायर रूट निकालने के. एक तो था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड मेथड था आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड. देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो निकालना आपको आ गया है और लॉन्ग डिवीजन मेथड से मुझे बताना है. क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्सरसाइज 3b का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें बोला जा रहा है फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें इन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है, जो कि आपको अच्छे से निकालना आता है, लेकिन मेरा काम है बताना, तो मैं आपको बताऊंगी और समझाऊंगी. वैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया हुआ है. हमें किस मेथड से निकालना है स्क्वायर रूट? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमारा एलसीएम वाला मेथड होता है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें बोला जा रहा है 2916 है, उसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है. इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे सॉल्व करना पड़ेगा. तो 2 बन जाए 2, 2 4 जाए 8, 1 कैरी के 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18. 7 to 9 हमारा किसकी टेबल में आता है? 7 to 9 हमारा 3 की टेबल में आता है क्या? हाँ, 3 की टेबल का रूल आपको पता है, अगर हम तीनों डिजिट्स को प्लस करते हैं तो तीनों डिजिट को प्लस करने पर क्या आता है हमारा? 9 10 11 और 7 18. तीनों डिजिट को प्लस करने पर कोई ऐसे डिजिट आते हैं जो 3 का मल्टीपल हो, यानी कि 3 की टेबल में आता हो, तो वो पूरा नंबर ही हमारा 3 की टेबल में आएगा. ये हमारा 3 की टेबल में आ रहा है. तो 3 2 जा 6, 2 कैरी के 3 7 जा 3 2 जा 6, 1 कैरी के 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड द लास्ट 3 1 जा 3. ठीक है, अब देखिए हमारा 2916 के फैक्टर क्या आए थे? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 3 हमारा 1 2 3 4 5 6. हमने क्या करना है, इसके पेयर बनाने हैं. हम पेयर बनाते हैं इसके, तो आपको दिखाई दे रहा है सारे पेयर बनने हैं, सारी डिजिट्स हैं, उनकी ग्रुपिंग हो पा रही है, तो ऑब्वियसली इसका ये परफेक्ट स्क्वायर है हमारा, और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर रूट क्या आना है? रूट का साइन आपका ये होता है. रूट का साइन क्या होता है आपका? ये टू. स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको बाहर 2 लिखना पड़ेगा. अगर आप क्यूब रूट निकालेंगे, जो कि क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 में पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ 3 लिखना पड़ेगा. ग्रुपिंग करने के बाद स्क्वायर रूट खोलने पर एक पेयर पूरा बाहर आता है, यानी कि एक पेयर की केवल एक ही डिजिट रह जाती है. तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 27 3 2 जा 54. ठीक है, तो ये 2916 हमारा किसका स्क्वायर रूट है, यानी कि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा? तो 2916 का स्क्वायर रूट निकालने पर हमारा आंसर आता है
54. अगला क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है 2704. एक डिजिट दे रखी है जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है. 2704 का स्क्वायर रूट निकालना है. तो 2 बन जाए 2, 2 3 जाए 6, 2 5 जाए 10, 2 2 जाए 4, 2 6 जाए 12, 2 7 जाए 14, 2 6 जाए 12, 2 3 जाए 6, 2 3 जाए 6, 2 8 जाए 16, 2 1 जाए 2, 2 6 जाए 12, 2 9 जाए 18. अब एक इसकी टेबल में आ रहा है 13 की में, 13 बन जाए 13, 13 3 जाए 39, 13 बन जाए 13. तो 2704 का हमारा फैक्टर करने पर क्या आता है, ये आता है, हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है. स्क्वायर रूट में हमें कितने पेयर बनाने पड़ते हैं, 2-2 के पेयर बनाने पड़ते हैं. और ग्रुपिंग करने के बाद जब हम रूट से बाहर आना चाहते हैं तो हमें दो पेयर एक में कन्वर्ट कर देना होता है, यानी कि इन दोनों पेयर का कन्वर्ट होके एक 2 रह गया, इसका भी एक 2 रह गया और इसका एक 13 रह गया. तो रूट में 2704 को स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा क्या आता है, 2 2 जो 4 और 13 4 जो 52. तो इसका स्क्वायर रूट हमारा 52 आ रहा है. इसका नेक्स्ट है 7056 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है. हमारी डिजिट दे रखी है 7056, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मैट्रिक्स से ही निकालेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन मैट्रिक्स से स्क्वायर रूट निकालने पर क्या होता है, सेवन जीरो फाइव सिक्स हमारे 2 की टेबल में आ रहा है. 2 3 जै 6, 2 5 जै 10, 2 2 जै 4, 2 8 जै 16, 2 1 जै 2, 2 7 जै 14, 2 6 जै 12, 2 4 जै 8, 2 8 जै 16, 2 8 जै 16, 2 2 जै 4, 2 4 जै 8, 2 4 जै 8, 2 1 जै 2. अब ये 3 की टेबल में जाएगा तो देखते हैं, 3 1 जै 3, 3 4 जै 12, 3 7 जै 21, 3 4 जो 12, 3 9 जो 27, 7 7 जो 49 और एंड 7 बन जाए 7. तो 7056 का हमारा रूट क्या निकल के आ रहा है, आई मीन इसके फैक्टर क्या निकल के आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 टाइम्स हमारा 2 है और हमारा 3 है 2 टाइम्स और 7 है हमारा 2 टाइम्स. इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें इन नंबर्स की ग्रुपिंग करनी पड़ती है और ग्रुपिंग करने के बाद हम इसको ग्रुप से यानी कि रूट से बाहर निकालते हैं तो दो पेयर को एक पेयर में यानी कि एक डिजिट में कन्वर्ट कर देते हैं. 2 2 जो 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84. तो रूट में 7056 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, हमारा 84. इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है हमारा. डिजिट दे रखी है 9025, इसका हमें स्क्वायर रूट निकाल कर देना है. 9025 का स्क्वायर रूट निकालने पर क्या आएगा, देखिए किसकी टेबल में आ रहा है, 2 की टेबल में तो नहीं आ रहा, और ये क्या 3 की टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये 5 की टेबल में आएगा. 5 बन जाए 5, 5 9 जा 5 8 जा 40 और 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5. अब ये 19 की टेबल में डायरेक्ट आएगा, 19 का 19 टाइम्स होगा, यानी कि 3 6 1 है वो 19 का स्क्वायर होता है. तो 19 जा हमारा 3 6 1 होता है, 19 बन जाए 19 हो गया. तो 9025 का रूट क्या आ सकता है हमारा, क्या आ गया है हमारा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9. अब इसको हम रूट को पेयर बनाकर जो रूट है उसको हटाने के लिए हम इन डिजिट्स की पेयर बनाएंगे और इन्हें रूट से बाहर निकाल लेंगे, इन्हें आजाद कर देंगे. तो 5 मल्टीप्लाई बाई 19 और 19 5 जो क्या होता है 95. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में फ्रैक्शनल डिजिट दे रखी है, यानी कि जो भी डिजिट है लाइक दिस 25/49 फ्रैक्शन में दे रखी है. अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है. अब तक तो हमने सिंपल नॉर्मल डिजिट का होल नंबर का नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट निकाला था. अब आपको जो डिजिट फ्रैक्शन में दे रखी है उनका स्क्वायर रूट निकाल के रखना है, यानी कि 25/49 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है. तो इसके लिए आप अलग अलग स्क्वायर रूट निकालेंगे.
25 का स्क्वायर रूट आप अलग निकालेंगे और 49 का अलग निकालेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना, जब अलग अलग है तो अलग अलग ही निकालना पड़ेगा। 25 का निकालने पर 5 जो 25, 5 बन जाए 5, और 49 का निकालने पर 7 जो 49, 7 बन जाए 7। तो रूट में इसका 5 मल्टीप्लाई बाई 5 और इसका रूट में 7 मल्टीप्लाई बाई 7। स्क्वायर रूट है तो उसमें दो के पेयर बनते हैं, और रूट हटाने के लिए आपको पेयर मतलब उसे बाहर एक पेयर का एक डिजिट बाहर आ जाती है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 पूरे एक पेयर में एक डिजिट बाहर आएगी 5। अगला है इसका क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है, 196 अपॉन 484 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो कोई दिक्कत थोड़ी ना है अगर मैं इसको अलग अलग लिख दूँ, यानी कि इनके स्क्वायर रूट अगर मैं अलग अलग निकालूँ तो 196 का स्क्वायर रूट निकालने पर क्या आता है, का रूट निकालेंगे यानी कि इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, अब 1 to 1 हमारा 11 की टेबल में आता है, तो 196 का हमारा क्या आ रहा है, इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, और हमारे 484 के फैक्टर क्या आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11। हमें रूट से बाहर निकालने के लिए पेयर बनाना पड़ेगा और पेयर की एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 2 को रूट से बाहर निकाला तो 2 आ गया, 7 को रूट से बाहर निकाला तो 7। ऐसे यहाँ पर 2 को रूट से बाहर निकालने पर 2 और 11 को रूट से बाहर निकालने पर 11, तो 7 2 14 अपॉन 11 2 22। तो 196 अपॉन 484 का स्क्वायर रूट क्या आ रहा है हमारा, 14 अपॉन 22। अगला है इसका सेकंड का थर्ड है हमारा नेक्स्ट, हमें स्क्वायर रूट फिर से निकालना है 1225 अपॉन 2025 का। तो अगर मैं इन दोनों को अलग अलग लिख लूं तो क्या दिक्कत है, रूट तो मुझे दोनों का ही निकालना है, दोनों को एक साथ तो निकाला नहीं जा सकता, जब दोनों ऊपर नीचे अलग अलग लिखी हुई है तो इसको मुझे अलग अलग करके ही निकालना पड़ेगा। देखिए 5 की टेबल में जा रहा है, 5 2 10 टू कैरी के 2 रिमाइंडर 2 5 5 4 20 और 5 5 25 5 4 20 5 9 45 7 7 49 7 बन जाए 7। 2025 का रूट क्या आता है हमारा निकल कर, 5 4 20 और 5 5 25 5 8 40 और 5 5। ये पहले 3 से ज़्यादा था, 3 9 27 3 3 9 और 3 1 3। तो हमारा 1225 का रूट क्या आ रहा है, यानी कि इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, और 2025 के फैक्टर आ रहे हैं हमारे 5 मल्टीप्लाई बाई 5 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। तो हमारे ये फैक्टर आ रहे हैं, अब इन दोनों जो फैक्टर आ रहे हैं हमें रूट से बाहर निकालना है इन फैक्टर को, और रूट से बाहर निकालने के लिए हमें इसकी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, मैंने इसकी ग्रुपिंग कर दी है। तो ग्रुपिंग करने के बाद अब मैं इसके पेयर बनाकर इसे रूट से बाहर निकाल लेती हूँ, यानी कि 5 का एक पेयर बाहर आ गया, यानी कि एक पेयर का 5 बाहर आ गया, 7 बाहर आ गया, इधर से नीचे से 5 बाहर आया, 3 आया और यहाँ से 3 आया, 5 7 35 और 5 3 15 15 3 45। ठीक है, तो इसका 1225 अपॉन 2025 को जब मैं रूट बनाकर या इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी तो हमारा 35 अपॉन 45 आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका, इसका फोर्थ पार्ट है जो वो पॉइंट में दे रखा है, जो इसका फोर्थ है वो पॉइंट में दे रखा है, क्या दे रखा है, 0.0009 का हमें स्क्वायर रूट निकाल कर देना है। क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, ये हमारा पॉइंट में है और पॉइंट का स्क्वायर रूट आपको निकालना आता है, बट आप विद लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप नहीं निकाल सकते, तो पहले मुझे यहाँ से पॉइंट हटाना पड़ेगा। देखिए कोई भी पॉइंट वाला क्वेश्चन हो, आपको सबसे पहले पॉइंट का बेरा तेरा करना है, यानी कि पॉइंट को हटा देना है उसमें से, क्वेश्चन के अंदर से निकाल देना है। तो पॉइंट को निकालने पर यहाँ नीचे जीरो बढ़ते हैं तो कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 2 3 4 4 जीरो बढ़ जाएंगे, और 1 का एक एक्स्ट्रा 1 भी आता है हमारा, तो हमारा क्या आ गया, 9 अपॉन 10,000।
अब 9 अपॉन 10,000 का आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो अगर मैं 9 को अलग लिख दूं और 10,000 को अलग लिख दूं और इसका स्क्वायर रूट निकालूं, तो देखिए 9 के फैक्टर तो सभी बच्चे जानते हैं, आसानी से हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होते हैं, और 10,000 के फैक्टर 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 आप निकाल के देखिएगा 10,000 का क्या फैक्टर होता है। मैं जो निकाल रही हूँ वही होगा। यहाँ एक पेयर बनाना है और पेयर बनाकर हम रूट से बाहर निकाल लेंगे। ऊपर क्या रह गया 3 और नीचे क्या रह गया 100। तो 100 का अगर मैं 3 में डिवाइड दे दूँ तो 0.03 मेरा आंसर आएगा। डैट्स क्लियर। तो 3B का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट हो गया है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 का एक और पार्ट बचा है, इसका 5th पार्ट है। तो क्या दे रखी है डिजिट 0.00012345 6 टाइम 0 है, 0.60 है हमारे, फिर 49 है। तो हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। पहले पॉइंट हटा के नीचे 0 बढ़ाने हैं, 0 बढ़ाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 आ जाएंगे। ठीक है, अब 49 रह गया ऊपर और नीचे क्या रहेगा। ठीक है, अब हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो 49 को अगर मैं अलग कर दूं और नीचे जो डिजिट दे रखी है मुझे उसको अलग कर दूं और दोनों के फैक्टर करके पेयर निकालूं, 49 का पेयर सभी बच्चों को पता है 7 मल्टीप्लाई बाई 7, और नीचे जो डिजिट है वो आप उसका अगर आप फैक्टर करते हैं तो देखिए फैक्टर करने का आसान तरीका क्या होता है, उसको आप किसी भी तरीके से तोड़कर लिखिए। मैं यहाँ पर 100 और 100 बार बार 100 मल्टीप्लाई बाई 100 अगर मैं 4 टाइम्स लिख दूँ, यानी कि 2-2 जीरो एक साथ में ले लूँ, तो क्या दिक्कत है। फिर पेयर बनाकर मैं इसे बाहर निकालूंगी पेयर से, तो 7 अपॉन 100 इस पेयर का, 100 मेरा इस पेयर का आ जाएगा, तो 7 अपॉन 10,000 मेरा आ गया। अब इसको क्योंकि मुझे पॉइंट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पॉइंट में ही क्वेश्चन दे रखा है तो हम उसे पॉइंट में ही आंसर देंगे, तो मेरा क्या आएगा 0.0007। आप सभी जानते हैं पॉइंट मैंने कैसे लगाया हुआ होगा। अब चलिए इसका थर्ड देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या बोलना है, सिंप्लीफाई करना है हमें। थर्ड में क्या करना है, सिंप्लीफाई यानी कि इसको सॉल्व करना है बस। इसमें हमें थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला गया है रूट में है हमारी डिजिट 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर दे रखा है, इसको सॉल्व करना है हमें। तो देखिए दो आसान तरीके हैं, आप दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, ये रूट में है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। 25 में से 16 के हमारे 9 बचे और 9 के फैक्टर करने पर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आता है, और पेयर बनाकर बाहर निकालूंगी तो मेरा आंसर 3 आएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ही है ये। अब दूसरा तरीका ये है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम दोनों को एक बार प्लस कर देते हैं और दोनों को एक बार माइनस कर देते हैं। तो दोनों को मैं एक बार प्लस कर दूं, क्योंकि ये रूट बाहर जो साइन है वो रूट का है और इस क्वेश्चन के साथ रूट लगा हुआ है, तो मैं इसको रूट में ही लगा कर सॉल्व करूँगी। एक बार प्लस किया और एक बार मैंने माइनस किया, प्लस करने पर मेरा 9 आया और माइनस करने पर मेरा 1 आया, तो अंदर क्या रह गया रूट में 9, और 9 के फैक्टर करने पर मेरा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ही आता है, तो इसका मेरा क्या हो गया आंसर 3। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है, उसमें बोला जा रहा है रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब देखिए इस क्वेश्चन में मैं इस तरीके से भी कर सकती थी और आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरीके से भी कर सकती हूँ क्या, लेकिन देखिए ये वाला फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब बीच में माइनस का साइन होगा। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, कुछ बच्चे कर देंगे प्लस का साइन में भी वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे जो फॉर्मूला मैंने माइनस के साइन में अप्लाई किया था, लेकिन ऐसा करना नहीं है। अब ये सिर्फ इसी प्रोसेस से हो सकता है। तो 5 का स्क्वायर करने पर 25 आता है, 12 का स्क्वायर करने पर मेरा 144 आता है, ठीक है, और दोनों को प्लस करने पर 169 आता है, और 169 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो मेरा 13 मल्टीप्लाई बाई 13 आता है, 169 मेरा 13 की टेबल में आता है, तो इसका 13 मल्टीप्लाई बाई 13 फैक्टर करने पर आता है, और इससे अगर मैं रूट से बाहर निकालूँ तो मेरा आंसर सिर्फ 13 रह जाता है। तो डेट्स क्लियर, सेकेंड तक आपका क्लियर हो गया। अब तो इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, वन अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस रूट में 0.25।
देखिए मैं जब एग्जाम टाइम आने वाला होगा तो मैं आपको एक टेस्ट बना के दूंगी, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो आप एक्टिव रहना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि अगर बेल आइकन को क्लिक करते हैं तो मेरे सारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आप इसमें आपको पता लगता रहेगा कि आपके काम की वीडियो है या कोई और वीडियो। काम की होगी तो आप खोल के देख लेंगे और उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके लिए आपको इसके लिए सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। बेल आइकन पर आप तभी क्लिक कर सकते हैं जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, और अगर आप बेल आइकन पर क्लिक करते हैं तो आपको सारे ही नोटिफिकेशन मिलेंगे, ठीक है, और आपके जो काम के वीडियोस होंगे आप देख सकते हैं। तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट में 0.25 है, इसका हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ तो कोई रूट का साइन नहीं लग रहा है और ना ही इस क्वेश्चन में बोला गया था कि स्क्वायर रूट निकालो। इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला गया था इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 1/2 का होल स्क्वायर है तो क्यों ना हम इसका स्क्वायर ही करें, जब उसने स्क्वायर बोला है तो 1/2 का होल स्क्वायर यानी कि 1/2 यहाँ 2 टाइम्स है। और मैंने आपको बताया था रूट वाले में अगर पॉइंट आ जाए तो सबसे पहले आपको पॉइंट हटाना होता है, पॉइंट हटा के यहाँ नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 1/4 हो जाएगा, और 5 के फैक्टर करेंगे तो हम 5 मल्टीप्लाई 5 पाएंगे, और 100 के फैक्टर करने पर 10 मल्टीप्लाई 10। तो ये क्या है, 1/4 है, और ये आगे हमारा रूट से जब हम इसे बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालने के लिए हमें इसके पेयर बनाने पड़ेंगे और एक पेयर की एक डिजिट बाहर आ जाएगी, तो हमारा क्या आ गया 5/10। 1/4 ये था, 5/10 ये है यानी कि 1/2, 5 बन जाए 5 और 5 2 10, इसका एलसीएम क्या आता है 4, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 3/4, डेट्स द आंसर। इसका फोर्थ पार्ट है माइनस का रूट में 4/9 माइनस का रूट में 81/100, इसको हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है, तो हमें रूट का सॉल्व करना पड़ेगा, हमें पता चल गया हमें रूट निकालना है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब इन दोनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए। 2 के फैक्टर बताने की जरूरत नहीं है, सब बच्चों सॉरी 4 के फैक्टर बताने की जरूरत नहीं है, सब बच्चों को पता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ही होंगे, और 9 के फैक्टर हमारे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हैं, 81 के भी फैक्टर आप सब बच्चों को पता है, हमारा 3 आता है 4 टाइम्स 81 में, और 100 के फैक्टर 10 मल्टीप्लाई बाई 10। अब रूट से बाहर निकालने के लिए हमें इसके पेयर बनाने पड़ेंगे और एक पेयर की एक डिजिट बाहर आ जाएगी, यहाँ क्या है 2/3 और यहाँ क्या है 9/10। अब देखिए बीच में किसी का साइन नहीं है तो आप ये मत सोचिएगा मल्टीप्लाई सॉरी प्लस का साइन लगेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन आएगा क्योंकि 2 ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो वहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है। 3 3 9 और 2 5 10, हमारा आंसर क्या आ गया 3/5, डेट्स क्लियर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आप जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा क्लियर करूंगी, आने वाली लॉन्ग डिवीजन मेथड हमारा नया मेथड है, मैंने अभी उसकी शुरुआत नहीं की है और आपको जरा सा भी उसके बारे में नहीं बताया है, तो आपको अगली वीडियो में बिल्कुल स्टार्टिंग से सही तरीके से समझाऊंगी इस क्वेश्चन को। तो चलिए फिर नमस्कार, और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक बटन पर क्लिक कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो, और अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, बहुत जल्दी आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल स्किल लर्निंग।